नमस्कार, कार्यक्रम चौबटिया में अपने सबक स्वागत है। नेपाल टेलीविजनक समावेशी कार्यक्रम अंतर्गत मैथिली भाषा की चौबटिया कार्यक्रम प्रत्येक सप्ताह आइए के दिन अही समय पर हम सब लौके आयल करब। अपने सबके बुझले जे चौबटिया का अर्थ होत जेठा चारिटा बाट के समावेश होत संगम भेल करत आ चौबटिया ओ जगह छे जेठा मई भागदौड़ वाला जिंदगी से किछु काल लोग आबि के अपन मोनक बात निकालल करत छथि, कही जे बिलमल करत छथि चौबटिया वह छे। आ इहो कही जे ई चौबटिया कार्यक्रम जे अछि से भले ही दिव्य आ भव्य नहि हुए मुदा शिष्टा सभ्य अवश्य रहत, तै बातक हम सब विश्वास दियाबै छी अपने सबके जे अपने सब अपन परिवारक संग बैस कऽ एक ठाम बैस कऽ एकटा शिष्ट मनोरंजन प्राप्त कऽ सकै छी एई चौबटिया कार्यक्रम मे। सोयरी घर सँ श्मशान धरि ओ छठियार चुमान, सोयरी घर सँ श्मशान धरि ओ छठियार चुमान, हे मूरन उपनयन बियाह को जगरा पानक विधि विधान, हाय हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे हाय रे पान, हाय रे 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 पान, हायरे 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 पान पान त सहजै संग में यहो कही जे वाह रे वाह रे वाह रे मखान, किया त मिथिलाक परिचय में कहलो जाइत अछि पग पग पोखरि पान मखान, यह छी मिथिला केर पहचान। मिथिलाक मौलिक खाद्य वस्तु में पान आ मखानक विशिष्ट स्थान अछि। अइ दुनू चीजक प्रयोग के विशेष महत्व देल जाय वाला पावनि कोजगरा हाल ही संपन्न भेल अछि, तैं आजुक चौबटिया कार्यक्रम में हम सब कोजगरे आ पाने मखाने के विषय में चर्चा करब। कोजगराक पृष्ठभूमि में रहल एकटा मधुर गीत सेहो प्रस्तुत करब, मुदा सबसे पहिने नेपाल में दानवीरक रूप में चिन्हल जाय वाला मैथिल सपूत डॉक्टर उपेन्द्र महतो द्वारा काठमांडूक पशुपतिनाथ मंदिरक परिसर में निर्मित क्रियापुत्री भवनक कोजगरे के दिन भेल हस्तांतरण समारोहक एक झलक। कोजगराक अवसर पर मिथिला क्षेत्र में जँ मैथिल संस्कृतिक जीवंतता देखल गेल तब पाशुपत क्षेत्र में मिथिलाक समाज सेवा मुखरित भेल। प्रसिद्ध उद्यमी एवं समाज सेवी डॉक्टर उपेन्द्र महतो काठमांडूक पशुपतिनाथ मंदिरक परिसर में अपन माय स्वर्गीय फूल कुमारी महतोक नाम पर निर्मित उत्तरी लेलहा लोक के क्रियाकर्मक लेल रहय वाला जगह क्रियापुत्री भवनक निर्माण कऽ पशुपति विकास कोष के हस्तांतरण कयलनि। कार्यक्रमक आरंभ में डॉक्टर महतोक संग संग कोषक सदस्य सचिव सुशील नाहटा आ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघक अध्यक्ष सूरज वैद्य परिसरक पोखर में माछ छोड़लनि। पछायत संस्कृति मंत्री गोपाल किराती मार्फत पशुपति विकास कोष के परिसरक कुंजी हस्तांतरणक बाद डॉक्टर महतो चौबटिया के कहलनि जे अपन माय आ समाजक प्रति कर्तव्य निर्वाहक क्रम में ओ एहन सामाजिक आ सांस्कृतिक काज सब कर रहल छथि। वास्तव में क्रियापति हमरा यहाँ के नेपाली के जे संस्कृति में बहुत धनी छी। हम सब विदेश में रह के चीज की अंदाज के लिए जे हम सब आर्थिक रूप में कुछ कमजोर होते हुए भी सांस्कृतिक रूप में हम सब बहुत मजबूत छी। एकर संरक्षण करना एक बहुत जरूरी है, तो वही के रूप में अपना माय के नाव में जे अपना माय के इज्जत नहीं कर सकते, जे आदर नहीं कर सकते, जे ममता माया नहीं कर सकते, ओकरा अपना देश के प्रति माया में सेहो कमजोरी भ सके, तो वही के रूप में एकटा सिम्बॉलिक रूप में अपना अपना माय के जे समझना में जे हम जे माय हमरा जन्म देल ओकरा ओहि माय के लेल हम बहुत चीज नहीं कर सकलिए, कम समय में चलि गेल हमरा सबके छोड़ कर, हुनका समझना में जो कुछ करी सामाजिक कार्य कुछ कर जाए संस्कृति संरक्षण के साहित्यिक क्षेत्र में कुछ कर जाए कह जे आई कार्यक्रम छे ओहि में सबके आशीर्वाद सद्भाव से ये हम कुछ कह पैल छे ओहि के लिए हम बहुत बड़ा अपना के सौभाग्य मानी मान्य छे। आप चली कोजगराक प्रसंग में मिथिलाक दोसर बहुप्रचलित नाम तिरहुत से हो छे।
ई तिरहुत शब्द तीर भुक्तिक अपभ्रंश मानल जाइत अछि, जाहिमे तीरक अर्थ होइ छै नदी आ भुक्ति प्रदेश के कहल जाइ छै। नदी पोखरि वा आन तरहक जलाशय अधिक भेलाक कारण मिथिला में पान मखानक उत्पादन ताहि दिन बेसी होइ छलै। स्थानीय उत्पादनक अधिकाधिक प्रयोग करेबाक उद्देश्य सँ मिथिलाक जनजीवन में पान मखान सन वनस्पति के बेसी महत्व देल गेल अछि, एकरा लेल सांस्कृतिक वातावरण बनाओल गेल छै। एहने एकटा महत्वपूर्ण सांस्कृतिक अवसर अछि कोजगरा, जाहिमे पान आ मखान के सर्वाधिक महत्व देल जाइ छै। कार्यक्रमक आरंभ में जे हमसब गीतक अंश सुनौलहुँ, पानक महिमा गवैत ओ गीत मैथिली फिल्म मुखिया जी से हम सब लेने रही। स्थानीय उत्पादनक प्रयोग आ प्रवर्धन पर जोर देबाक मिथिला संस्कृतिक अनुसरण एहि फिल्म में सेहो करैत पान लगेबाक आ पान खेबाक रोचक प्रतियोगिता सेहो देखाओल गेल अछि। मिथिला में पान आ मखानक महिमा एहि से स्पष्ट भ जाइत अछि जे कहल जाइ छै पान आ मखान स्वर्गो में नहि भेटै छै। तैं कोजागरात पूर्णिमाक दिन मिथिलाक किछु जाति में नवविवाहित वरक घर में विशेष सांस्कृतिक अनुष्ठानक आयोजन कयल जाइत अछि। एहि दिनक प्रमुख प्रसादे पान आ मखान रहैत अछि। मिथिलाक बाजार में पानक खपत त सब दिना रहते छै, मुदा कोजगरा आबते मखानोक खपत बढ़ जाय छै। हमरा सभक सहयोगी श्याम सुंदर यादव राजबिराजक व्यापारी से जे बातचीत केने छथि, तहू से एकर पुष्टि होइत अछि। ई मखान के बिक्री कोन समय में बेसी होइ छै अपने के विचार में? कोजगरा के टाइम में बेसी खपत होइ छै। हां, बेसी खपत होइ छै, पान मखान खाय छै। ई कोजगरा में पान मखान के अपने बात केलौ, पान मखान के की महत्व होइ छै? पान मखान के बहुत बड़ा महत्व है कि सब आदमी मिल के खेलक, साल के एगो पर्व है। हाँ, केना किलो बिके छे पान? पान किलो से नहीं बिके, मखान मखान केना बिके छे? मखान 500 रुपए किलो बिके छे। 500 रुपए किलो। और समय में खास करके कोजगरा के समय में बिक्री में कते अंतर रहे है? बहुत अंतर रहे छे, 60-100 के फर्क रहे छे। कोजगरा में अधिकतर बिकलक, 100% लेलक। एक व्यक्ति कते धैर्य खरीदे छै मखान? मखान 100 ग्राम से लाके एक पाव एक किलो तक, 10 किलो तक। कोजगरा में जकरा भार गेल तो ऊ एकक मन लेलक, 10 किलो लेलक। एक अध्ययनक मुताबिक विश्वक कुल मखान में से 88% उत्पादन मिथिले में होइ छै। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दरभंगा लग वासुदेवपुर नामक स्थान पर राष्ट्रीय मखान शोध केंद्रक स्थापना कयने अछि। मखानक परिकार सब स्वादिष्ट होयबाक संग संग उच्च पौष्टिकता युक्त सेहो होइत अछि। एहन अलभ्य आ विशिष्ट खाद्य वस्तु के आरक्षण देनिहार पावनि अछि मिथिलाक कोजगरा। एकर और की विशेषता आ परम्परा छै, हमर सहयोगी श्याम सुंदर यादव के तकर जानकारी दऽ रहल छथि सप्तरिक संस्कृति सेवी प्राध्यापक सुप्रभाता। ई जे छै से नव दम्पति के एकटा बहुत सौभाग्य के एकटा ई मतलब समय होइ छै। एहिमे जे छै से सब जतेक छै ई खास कए कऽ आश्विन के पूर्णिमा के दिन ही मनाओल जाइत छै। ओहि दिना जे छै से जतेक जे छै से सब आँगन घर धोई के साफ सुथरा कऽ के नीप निपुत कऽ के सब गोटे रहै छै। आ जिनका ओहिठाम नया शादी होइ छै तकर पहिल वर्ष खास कऽ के ई मनायल जाइ छै। ओहि दिन सब गोटे के टोल पड़ोस में सब जगह हका देल जाइ छै, जतेक जे छै से सब आबै छै ओहि दिना अपना आँगन में आ अरिपन देल जाइ छै। अरिपन पर पिड़िया राखि के नव दम्पति के बैठा के हुनकर चुमान कयल जाइ छै। चुमान कयला के बाद ओ सबके सिरा गुमे गोर लागि के जतेक छै अपन जान पहचान लोक शेष जन के प्रणाम कयल जाइ छै, सब आशीर्वाद लेल जाइ छै। आ तकर बाद अपन जतेक छै लोक इष्ट मित्र के ओहि दिना निमंत्रण देल गेल, खुआयल गेल। जकरा जेहन छै ओकरा तेहन छै, नहि किछो तऽ पानो मखान जे छै से ओकरा बाँटले जाइ छै ओहि दिना सबके, आ सब आशीर्वाद जे छै से लेल जाइ छै। ई पान मखान के की महत्व छै? पान मखान के तऽ इएह छै, तऽ शुभ मानल जाइ छै सब किछु मे। तब तैयोमे दोसर बेटा हमरा सबके मिथिला मे कहावत छै जे पान मखान जे छै से स्वर्गो मे नहि भेटै छै।
ताहि दुआरे जे छै से एकरा जे छै से बाँटल जाय से ओहि दिन जे छै से निश्चित रूपसँ लोक किछो खाय नहि खाय लेकिन पान मखान कोइ दिना जे छै से सभके सभ खाइ छै सभके देल जाइ परोसल जाइ छै जतेक पड़ोसी ततेक बढ़िआँ बात मानिके लोक जतेक आदमी खाइ छै सभके देल जाइ छै ई चीज सभ मुदा मिथिलाक केन्द्र जनकपुरक जँ बात करी तऽ एहिठाम मैथिली संस्कृतिक हरेक उपक्रम सीताराममय भाव उठैत अछि। कोजगराक अवसर पर महोत्तरीक रतौली गाम सँ पान मखान दही केरा आदिक भार साठि कऽ आनल जाइत अछि। बाजा गाजाक संग जानकी मंदिर में आबय वाला ई भार जनकपुरक सांस्कृतिक छटा के और ज्वाजल्यमान कऽ दैत छै। जनकपुर सँ हमरा सभक सहयोगी आतिश कुमार झा कहैत छथि जे ई परंपरा करीब 105 वर्ष सँ चलित आयल छै। किंवदंती अनुसार रतौली गामक जमींदार महेंद्र ठाकुर सीता के अपन पुत्री स्वरूपा मानिकऽ जेना कोनो नवविवाहिता के सासुर में पहिल कोजगरा में भार साठल जाइत अछि तहिना सीताक लेल जानकी मंदिर में भार पठाओल करैत छथि। महेंद्र ठाकुर तो दुनिया से चल गया मुदा कोजगरा में जानकी मंदिरक लेल भारक परंपरा जारी है। एहि बेर जनकपुरक भमरपुरा चौक में रमानंद युवा क्लब भारक संग आबय वाला लोकक स्वागत कार्यक्रम केने छल। कोजगराक एहन मनोहर छटा देख कर ककरा नहीं होइत हेते जे हमरो चटपट बियाह दान आ कोजगराक ओरियान भ जाय। आब हम सब जे गीत प्रस्तुत कर रहल छी तै में अइ दुनू बाप पुत के तही रूप में हसब दे। आजुक कार्यक्रम सँ हमरा सबके विदा लेबाक बेर भ गेल अछि। हमरा सबके विश्वास अछि जे आजुक कार्यक्रम के बातचीत आ गीतनाथ सब अपने सबके अवश्य पसिन आयल होयत। मुदा पसिन आयल कि नहि, नीक लागल कि नहि, तकरा लेल तऽ हमरा सबके सुझाव, सलाह आ प्रतिक्रिया तऽ चाहबे टा करी, जकरा लेल हमरा सबके पता स्क्रीन पर आबि रहल अछि ओहिमे अपने सब पठेबे टा करी जे हमरा सबके मार्गदर्शन करत। आजुक कार्यक्रम सँ हमसब आज्ञा लेब। बेस तऽ नमस्कार।